पूरे देश की बात करें तो वहाँ पर जो नए ट्रैफिक नियम हैं वो आए हैं, जिसके बाद अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो पूरे भारत के जो अलग अलग राज्य हैं और वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार चालान वहाँ पर काट रही है। कुछ दिन पहले की बात करें तो लोगों को अवेयर किया जा रहा था अलग अलग कार्यक्रम करके ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और जम्मू की बात करें तो इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के विक्रम चौक के ठीक आगे कला केंद्र के बाहर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर करेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये वाहन जो है इनको ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीज़ किया गया है। और ये बुलेट वाहन है जिनको सीज़ मात्र इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो साइलेंसर हैं मॉडिफाई इनको करवाया गया है, ओरिजिनल साइलेंसर ये नहीं है। और सामने की तस्वीरों में आपको अगर दिखा दें तो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी यहाँ पर हैं वो हर तरह से बसें जो हैं उसको भी रोका जा रहा है। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि सिर्फ दो पहिया वाहन चालक जो हैं उसको ही टारगेट किया जा रहा था और तब कुछ लोगों की शिकायतें जो थी वो वहां पर थी। लेकिन अब हम बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे डीएसपी ट्रैफिक साउथ सचिन गुप्ता जी से। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका यूनिवर्सल न्यूज़ टाइम्स में। थैंक यू सर। जिस तरह से नए ट्रैफिक नियम आए हैं उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में ट्रैफिक पुलिस अलग अलग राज्यों को जो है वो लगातार चालान काट रही है, तो सर नए जो ट्रैफिक नियम आए हैं उनके आने के बाद कितना फ़र्क जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था में पड़ा है? देखिए मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क आ गया है। अब बहुत से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं चाहे नए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट आने के बाद चाहे डर से, बट वो पालन कर रहे हैं और मेजॉरिटी रोड्स पे हमें दिख रहा है कि लोग हेलमेट्स का, सीट बेल्ट्स का और जितने भी विजिबल ऑफेंसेस हैं उनका पालन कर रहे हैं। तो सर लोगों की कुछ शिकायतें जो हैं वो रहती हैं कि मात्र ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि कल भी हमने एक खबर जो थी वो दिखाई थी कि मात्र जो दो पहिया वाहन चालक हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, और जनता की ये शिकायत थी कि बाकी जो बड़े वाहन हैं, जो मेटाडोर्स हैं, जो ऑटोज़ हैं, उनको फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ दो पहिया वाहन चालकों को ही टारगेट किया जाता है। नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल साथ नहीं देता। हमारा पूरा फोकस विजिबल वायलेशंस पे होता है। वायलेशन हम गाड़ी नहीं देखते, हम वायलेशन देखते हैं कौन सी गाड़ी में वायलेशन है। अब जैसा कि मैंने आज यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मेजॉरिटी गाड़ियाँ कमर्शियल आती हैं और मैंने जॉइंट नाका में जितनी भी चलानिंग की है मुझे लगता है उसमें 90% के करीब मिनी बसेस और बसेज होंगी, कमर्शियल होंगी। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा जो गाड़ियों की संख्या है वो टू व्हीलर्स की हो तो वहाँ टू व्हीलर्स टारगेट होंगे, ये डिपेंड करता है। और हाँ, कई बार हमारी स्पेशल ड्राइव्स रहती हैं कि कई बार हम सिर्फ टू व्हीलर्स को टारगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर डे पे, पर किसी पर्टिकुलर गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सर स्कूल वैन्स की अगर बात करें तो बड़ी बार देखा जाता है कि जो स्कूल वैन्स हैं और वो ओवरलोडिंग करते हैं और इस पर भी जनता की शिकायत जो है वो रहती है। और ये हमने भी देखा है कि जो स्कूल की गाड़ियां हैं जिसमें 15 या 20 के बैठने की क्षमता होती है और वहां पर 40-40, 50-50 जो बच्चे हैं उनको बिठाया जाता है, तो उस तरफ ट्रैफिक पुलिस उस बारे में क्या कर रही है? नहीं बिल्कुल, उसके लिए भी हमारा हम कंटिन्यू चलानिंग करते रहते हैं। कोई भी स्कूल की पर्टिकुलरली स्कूली बच्चों के लिए हम बड़े सेंसिटिव हैं, स्कूली बच्चों की कोई भी गाड़ी, पिछले दिनों कोई एक डिसीजन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें वैन्स को एलो किया गया था, हमने तो वैन्स भी बंद कर दी थी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे जो भी गाड़ी है। अभी भी कुछ ऐसी गाड़ी इक्का दुक्का दिख जाती हैं जो कुछ थ्री व्हीलर्स हैं, जो मिनी बसेस हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि ऐसी मिनी बसेस को और ऐसी थ्री व्हीलर्स को हायर ना करें जो आपकी बच्चे की जान को खतरे में डालती है, और हमारी तरफ से कार्रवाई पूरी रहेगी और पूरी सख्ती रहेगी और इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। सर जिस तरह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करें, रेड लाइट्स की बात करें, तो वहाँ पर आज भी लोग जो हैं वो जंप करके आगे निकल जाते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पर नहीं होती वहाँ से भी वो सड़क पार करते हैं जिस पर खतरा जो है बना रहता है, कोई जान की नुकसान भी किसी का हो सकता है, तो ऐसे लोगों से आप क्या अपील करें? बिल्कुल, ऐसा कुछ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स अभी भी हैं जिसमें रेड लाइट जंप हो रहा है। ऐसे लोगों से ये अपील है कि रेड लाइट जंप ना करें, अपनी ग्रीन लाइट का वेट करें, अपनी टर्न का वेट करें, क्योंकि जितने आपको जल्दी है उतनी दूसरी लेन वाले को भी जल्दी है और इसी के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स का कारण ना बने और अपने और सामने वाले की जान को। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से कई लोगों की शिकायतें ये रहती हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है कई बार उनके साथ बहसबाजी भी जो है वो देखने को मिलती है लोगों के द्वारा, क्योंकि जिसका चालान कटेगा वो बहस करेगा और तरह तरह के आरोप भी उस समय लगते हैं, तो अगर आपसे संपर्क करना चाहती है जनता शिकायत को लेकर तो आपसे किस तरह से वो संपर्क? वो सीधे तौर पे मेरे से संपर्क करना कर सकती हैं। मैं डीएसपी ट्रैफिक साउथ हूँ, मेरा नाम सचिन गुप्ता है, मेरा ऑफिस गुलशन ग्राउंड जम्मू में है, और अगर मेरा मोबाइल नंबर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9419116733। कोई भी इस तरह की अगर कोई बात होती है तो वो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, हमारे ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है उनसे बात कर सकते हैं। तो कोई भी अगर इसमें कोई सच्चाई पाई जाएगी, हम ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक किसी भी ट्रैफिक अधिकारी का मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको बार बार ब्रीफ किया गया, इनको सबको बताया गया है कि इनको पोलाइटली काम करना है,
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिसका चलान करता है ट्रैफिक पुलिस सीधे तौर पे सबके साथ उलझ रही है एक तरह से और सबका चलान काट रही है, उसके चलते लोगों में बहस बनती है, अगर कोई सच्चाई पाई जाएगी तो उस पर एक्शन भी जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सचिन गुप्ता जी की, जो कि ट्रैफिक डीएसपी हैं साउथ के, साउथ जम्मू के। आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि किसी भी वाहन को बख्शा नहीं जा रहा और स्पेशल ड्राइव्स कई बार होती हैं और उस ड्राइव्स में जो दो पहिया वाहन के लिए अगर ड्राइव्स हो तो उसमें सिर्फ दो पहिया वाहनों को रोका जाता है और अगर दूसरे वाहनों के लिए कोई स्पेशल ड्राइव हो तो उसको वहाँ पर जो है वो रोका जाता है। और सचिन गुप्ता जी का ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस का कोई भी कर्मचारी जो है वो आपसे बहस कर रहा है या किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की गलती है तो आप सीधा डीएसपी ट्रैफिक साउथ से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी हर संभव सहायता करेंगे। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू कश्मीर।